क्या नहीं हुई यूट्यूबर अरमान मलिक की दो शादियां? जी हाँ, इस बारे में अरमान मलिक की दुश्मन ने खुलासा किया है। दरअसल यूट्यूबर अरमान मलिक को लेकर के खबर ये सामने आ रही है कि अरमान बिग बॉस 17 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि यह अरमान के दुश्मन भी इस शो में नजर आने वाले हैं। अरमान के दुश्मन यानी कि विवेक चौधरी भी इस शो में एंट्री लेने जा रहे हैं। हालांकि शो के मेकर्स की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है और ना ही इन सेलिब्रिटीज की ओर से कोई भी इस पर स्टेटमेंट आया है। विवेक और अरमान एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अपने अपने वीडियोस में एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहते हैं। हाल में ही विवेक चौधरी ने यह दावा किया था कि अरमान मलिक की दो शादियां नहीं हुई, बल्कि वो केवल फेम पाने के लिए दो शादियों का झूठा ढोंग रचाते हैं। अरमान की दो शादियां झूठ हैं, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी बचा था। अरमान मलिक ने हालांकि विवेक को करारा जवाब भी दिया था, लेकिन अब यहां पर अरमान मलिक पर अगर विवेक ने इस तरीके का आरोप लगाया है तो किसी न किसी वजह से तो ये आरोप जरूर लगा है। ऐसे में अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर विवेक चौधरी ने ऐसी क्या बात कही होगी, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि क्या विवेक चौधरी और अरमान मलिक एक दूसरे के आमने सामने कभी आएंगे, और क्या दोनों बिग बॉस का हिस्सा बनेंगे, क्या इस बारे में वो फैसला ले सकते हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या बिग बॉस 17 में ये दोनों जोड़ी नजर आएगी, जहां दोनों की दुश्मनी भी साफ नजर आ सकती है।